हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किलोवाट से एचपी में और एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मोटर का करंट निकालने के लिए हमको यदि किलोवाट का डाटा गिवन रहता है तो और हमको एचपी से पता रहता है तो हम एचपी में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको एम्पियर कैलकुलेट करने के लिए। तो हम आज जानते हैं कि किलोवाट से एचपी में और एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एक एचपी इज इक्वल टू 746 वाट होता है, तो इसको हम यदि हम किलोवाट में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.746 किलोवाट हो जाएगा, और इसको यदि हम राउंड फिगर में अप्रॉक्सीमेटली लें तो 0.75 लिख सकते हैं। अब 1 HP बराबर 0.75 से में 100 से डिवाइड करें तो इसको हम 3/4 में लिख सकते हैं, 3.4 किलोवाट। अब इसको 1 HP बराबर 3.4 किलोवाट हो गया। अब यदि हमको HP में निकालना है तो यहाँ पे किलोवाट पुट अप कर देंगे, यदि किलोवाट में निकालना है तो एचपी फुट अप कर देंगे। यदि हम इसको 3/4 किलोवाट बराबर 1 HP कर दे तो यहां से 1 किलोवाट निकल जाएगा, और 1 किलोवाट बराबर 1 × 4/3 HP के फॉर्म में निकल के आ जाएगा। तो 1 HP बराबर 3/4 किलोवाट हो गया। अब यहाँ पे सिंपली 1 HP निकालने के लिए किलोवाट के जगह पे जो भी डाटा है उसको पुट अप कर देंगे, मेरा निकल आएगा। और जैसे कि हमको यदि एचपी से करंट का कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा कि एम्पियर बराबर मतलब करंट निकालने के लिए यदि हम यहाँ पे एचपी वाला टर्म लेंगे पावर के फॉर्म में तो हमको 746 वाट लेना पड़ेगा। यदि हम किलो वाट लेंगे तो 1000 लेंगे, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बस यदि एचपी रहेगा तो 746 वाट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि किलो वाट रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। और नीचे ये चूंकि 3 फेज है इसलिए √3 देना पड़ेगा, और वोल्टेज देना पड़ेगा 415, और हमको एक्यूरेट करंट निकालने के लिए इसका इफिशियंसी से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है और पावर फैक्टर से, बस सिंपली निकल जाता है। बस इतना ही है। थैंक यू दोस्तों।